बिजली की ऊर्जा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 1100 मेगावाट के बिजली के उत्पादन को हम बढ़ाएंगे 100 दिनों में। 230 मेगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो 27% तक पहुंचा है उसको 2% और कम कर देंगे 100 दिनों में, जो आने वाले एक वर्ष में 15% तक पहुँचेगा। तो इन 100 दिनों में ये लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से खनिज में भी जो आवश्यक पूंजी निवेश इन्वेस्टर्स मीट में तय हुआ था उसको बढ़ाने के लिए खनिज विभाग की सहयोग की जो भी आवश्यकता होगी इन 100 दिनों में उसको भी प्राथमिकता से करेंगे। अवैध उत्खनन के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार हम लोग बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे आए हैं, खनिज राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वो जो अभियान था हमारा शिकंजा कसने का और खनिज माफियाओं पर नकेल डालने का, वो जारी रहेगा। पत्रकार बंधुओं को लैपटॉप मिले, उनको सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिले, ये मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा है।